हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज मैक्सिमम मिनिमा की फोर्थ क्लास है। एक क्लास और ली जाएगी, पांच क्लासों में मैक्सिमम मिनिमा कंप्लीट, ओवर। फिर हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का 15। क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का क्या 15? जो बचे हुए क्वेश्चन है सारे करवाए जाएंगे, टेंशन मत लो, एक एक करके उठा रहा हूं सारे क्वेश्चन। कह रहे सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ठीक है, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर। अच्छा, स्फेयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है ये, यानी पहले हम बनाएंगे स्फेयर और फिर हम ठीक है। तो भाई यहां पे पॉइंट मान लीजिए इसका सेंटर है। किसका सेंटर? स्फीयर का। अब इसको इससे मिला दूं। अब इसने बोला है कि ए बी सी ओ और ये डी। मान लीजिए ए डी जो है, ए डी ये स्फीयर का रेडियस है, और स्फीयर का रेडियस हमें पहले से ही क्या दिया हुआ, आर। तो इसका बड़ा आर मान लो। किसका बड़ा आर मान लो? कौन का बड़ा आर मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बड़े आर का मतलब बड़ा ही होगा, हमने तो सिर्फ नाम दिया इसे, ठीक है? चलिए अब चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, लेट द रेडियस ऑफ कोन। हाँ भाई, कोन की रेडियस क्या होगी? बड़ी आर। नाउ द रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस क्या है? छोटी आर। नाउ हाँ जी बच्चो, इन ट्रायंगल इसमें आ जाओ, डी ओ सी बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस हम क्या देखेंगे बच्चों कि 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो यानी कि डी सी का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। हाँ जी, डी सी का स्क्वायर कितना? आर का स्क्वायर। ओ सी का स्क्वायर कितना है? बड़े आर का स्क्वायर। ओ डी का स्क्वायर कितना है? पता नहीं। तो बस आर स्क्वायर प्लस का बड़ा आर स्क्वायर इधर आके माइनस का ओ डी का स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ओ डी बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों? ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये ओडी हो गया। अच्छा, ओडी कितना आ गया? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बड़ा आर का स्क्वायर। सो द हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, हाँ जी, कोन की हाइट हमने मान ली एच। सो एच इज इक्वल टू किसके बराबर है? एच इज इक्वल टू बराबर है ए ओ। लेकिन बच्चों ए ओ पूरा ए ओ किससे मिलके बना है? ए डी प्लस ओ डी, और ए डी कितना है? आर, और ओ डी कितना? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बड़े आर का स्क्वायर। ये आपका एच आ गया। ये आपका क्या आ गया? एच, ठीक है? चलिए नाउ, अब क्या बोला उसने? चलो हाइट तो हमने निकाल ली, हाइट तो हमने निकाल ली। अब उसने क्या बोला है? अब उसने आपसे बोला भाई कि वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करो। वॉल्यूम को क्या करो? मैक्सिमम प्रूफ करो, ठीक है जी? मैक्सिमम प्रूफ कर देंगे। नाउ द वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/3 पाई, बड़ा आर होएगा ना, यहाँ पे बड़ा आर आएगा क्योंकि उनका बड़ा आर स्क्वायर एच। तो चलिए वी इज इक्वल टू 1/3 पाई बड़े आर का स्क्वायर एच। एच की जगह पे क्या पुट करूंगा? एच की जगह पे पुट करूंगा छोटा आर प्लस अंडर रूट छोटे आर का स्क्वायर माइनस बड़े आर का स्क्वायर। हाँ जी, 1/3 पाई, अंदर ले जाओ आर स्क्वायर को, तो आर स्क्वायर आर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट छोटा आर माइनस बड़े आर का स्क्वायर।
हाँ जी आप करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके करेंगे जल्दी बता दो भाई, बड़े आर के करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप वॉल्यूम किसका मैक्सिमम कर रहे हो, कौन का। तो जब कौन का लिए काम कर रहे हो तो कौन के रिस्पेक्ट में काम करोगे ना, तो चले बड़े आर के हिसाब से करेंगे। तो डी वी अपॉन में बड़ा डी डी आर 1/3 पाई, हाँ जी बड़े आर का पावर आगे एक कम, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव ये एज इट इज प्लस आर स्क्वायर एज इट इज इसका डेरिवेटिव। तो डी वी अपॉन में डी आर 1/3 पाई 2 RR प्लस पावर आगे एक कम आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ जी इसका क्या बनेगा, 1/2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर स्क्वायर। इसका करेंगे आर स्क्वायर का 0 और बड़े आर स्क्वायर का क्या होगा, पावर आगे एक कम, पावर आगे एक कम। डी वी अपॉन में डी आर बराबर 1/3 पाई 2 RR प्लस 2 R अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बड़े आर का स्क्वायर प्लस, हाँ जी प्लस नहीं प्लस माइनस माइनस आर स्क्वायर और ये 2 R, तो 2 R का क्यूब अपॉन में 2 R² माइनस आर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है जी। अब क्या करेंगे नाउ, नाउ अब क्या करेंगे बच्चों कि डी वी अपॉन में डी आर बराबर किसके रख लेंगे, 0 के। तो 1/3 पाई 2 R प्लस 2 R अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब अपॉन अंडर रूट आर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। बच्चों 1/3 और पाई उधर जाके क्या बन जाएंगे, कंप्लीटली 0 बन जाएंगे, कंप्लीटली क्या बन जाएंगे 0। तो 2 πr प्लस 2 R अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। चलिए पहला काम है हमारा रूट खत्म करना, पहला काम क्या है हमारा भाई, रूट खत्म करना। तो चलो पहले रूट खत्म करते हैं। तो कैसे खत्म करेंगे, इन दोनों रूट को उठा के उधर ले जाओ, तो 2 πr ये माइनस की चीज वहां जाके प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की चीज इधर आके माइनस की हो जाएगी अपॉन 1। सॉल्व कर दो 2 πr, 1 से सॉल्व करोगे आर क्यूब, इससे सॉल्व करोगे 2 R और रूट से रूट हट जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और ये आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये यहाँ डिवाइड कर रहा, वहां जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, ये आ जाएगा आर क्यूब माइनस 2 RR² माइनस माइनस प्लस 2 R³, ठीक है। अब क्या करना है, तो 2 πr अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2 और 1 3 3 R³ 2 RR², ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 πr अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 3 R³ 2 R का स्क्वायर और ये स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 πr² आर स्क्वायर, ये तो रूट तो हट ही जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा भाई, एक काम करो यहां तक नोट करो फिर आगे कराता हूं। अरे क्या कर रहा हूं मैं यहां पे बच्चों, एक मिनट थोड़ी गलती हो गई है, बड़ा आर छोटा आर है यहां पे, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर, ठीक है ऐसे होएगा ये।
और इसको भी खोल ही दो ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर प्लस प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी। नोट करो यहां तक। ठीक है, चलो नोट कर लिया होगा, ये वाला हिस्सा तो नोट किया ही होगा। हाँ जी, अब क्या आ गया हमारे पास? ठीक है, 4R² R² 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 ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू 3R³ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9R³ की पावर 6 प्लस 4R² का स्क्वायर, तो ये बनेगा 4R² R² R² की पावर 4। ठीक है, फिर उसके बाद है भाई, ये है 2 2 जा 4 3 जा 12, 12R की पावर 4R का स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा लेकिन माइनस में होगा, अंदर मल्टीप्लाई करो, 4R² R³ माइनस 4R की पावर 4R² इज इक्वल टू 9R की 6 4R² R³ माइनस 12R की 4R² ठीक है जी। अब क्या करना है इन, अब देखो भाई, इस वाले से ये वाला तो गया कट, ठीक है, इस वाले ये वाला तो गया कट, अब ये माइनस की चीज इधर आके क्या बन जाएगी भाई, ये बन जाएगी प्लस की 9R की पावर 6। हाँ जी, 12 में से 4 गए 8R की 4R का स्क्वायर 9R के 6, आर की 4 से आर के 6 जाएगा 2, तो भाई हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें तो कौन की वैल्यू निकालनी है, तो बस 8R का स्क्वायर 9 या मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड, तो R² तो R² की वैल्यू आ गई 8R² अपॉन 9। क्या आ गई? 8R² अपॉन 9, ये किसकी वैल्यू आ गई? बड़े वाले आर की आ गई भाई। ठीक है, चलो यहां तक नोट करो बच्चों पहले। ठीक है, नोट करने के बाद, यहां तक नोट करने के बाद ठीक है, यहां तक नोट करने के बाद मैं बच्चों ये हिस्सा मिटा रहा हूं। कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूं मैं, यहां तक का। ठीक है, ये हिस्सा मिटा रहा हूं मैं, सीक्वेंस वाइज नोट करते रहना। ठीक है, अब देखो, अब क्या बोला उसने? बोला है क्वेश्चन में, आपसे बोला गया है कि भाई हमें मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम वॉल्यूम। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बड़ा आर। ठीक है, तो बच्चों डी स्क्वायर वी अपॉन में डी आर स्क्वायर बराबर, हाँ जी, 1/3 पाई, ये तो ऐसे ही रहेगा। हाँ जी, यहां से देखेंगे 2R R, हाँ जी, तो क्या बनेगा? 2 छोटा आर, बड़ा आर तो बन गया 1 प्लस। हाँ जी, अब क्या करेंगे? इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इन दोनों में क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो 2 अपनी जगह, R को सॉल्व करो। हाँ जी, क्या बनेगा ये? R का डेरिवेटिव 1, एज इट डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों मैं, ठीक है, ये एज इट इज प्लस आर अपनी जगह एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1/2 √R² - R² फिर इसका होगा 0 - 2R, ये हो गया। ठीक, फिर माइनस, ठीक है, R³, ये इसका डेरिवेटिव, तो इनका क्या लगेगा भाई? क्वेश्चन रूल, इनके बीच में क्या लगेगा? क्वेश्चन रूल। और क्वेश्चन रूल कैसे लगेगा देखो दिखाता हूं, इनके बीच में लगेगा क्वेश्चन रूल। ठीक है भाई, इनके बीच में लगेगा क्वेश्चन रूल, कैसे लगेगा वो भी देखो। R³ मतलब पहले का डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज, बीच में माइनस, ऊपर वाला एज इट इज,
नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है जी, ये होगा इसका डेरिवेटिव। एक बटा तीन पाई हो गया टू आर प्लस, ठीक है टू, हाँ जी क्या बनेगा ये, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, हाँ जी ये बन गया टू आर आर, ये क्या बन गया, सॉरी टू बड़ा आर होना, टू आर आर सॉरी टू आर का स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा, टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है जी, टू से टू तो खत्म, माइनस इसका डेरिवेटिव कर दो तो भाई आर क्यूब का क्या होगा, पावर आगे एक कम, फिर ये एज इट इज, फिर ये आर क्यूब इसका क्या बनेगा, वन अपॉइंट टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बड़े आर का स्क्वायर इंटू माइनस माइनस टू आर, ठीक है माइनस टू आर, ठीक है यानी कि जीरो माइनस टू आर, अपॉन में रूट से स्क्वायर कट गया तो क्या बन गया, अंडर ये स्क्वायर कट गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर एक बटा तीन पाई टू आर प्लस टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बड़े आर का स्क्वायर, ठीक है अब देखो माइनस इसको करो सॉल्व, हाँ भाई कितना हो गया, थ्री आर का स्क्वायर आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 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 प्लस दो आर की पावर फोर, क्या बन जाएगा आर की पावर फोर अपॉन, या तो टू से भाई टू ये वाला डायरेक्ट काट के हटाओ, ठीक है तो बचेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं तो अपॉन में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यहाँ तक, ठीक है और फिर इसके बाहर ब्रैकेट, फिर है भाई डी स्क्वायर वी अपॉन में डी आर स्क्वायर, लेंथी क्वेश्चन है इतनी आसानी से नहीं होने वाला, ठीक है टू आर, ठीक है भाई करना चाहते हो सॉल्व कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो टू इससे सॉल्व करोगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस, इसको भी ऐसे सॉल्व कर दो, इसको इससे करोगे थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर की फोर अपॉन आर की स्क्वायर माइनस आर की स्क्वायर, ये तो वन सिंगल पावर है और नीचे से नीचे मल्टीप्लाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ये भी उतार लो, ठीक उसके बाद इसको यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, बहुत लेंदी है भाई बहुत लेंदी है क्वेश्चन, ठीक है अब क्या करना है, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर एक बटा तीन पाई, ठीक है ये बन जाएगा टू आर प्लस, हाँ जी टू आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर और माइनस टू आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे थ्री आर स्क्वायर माइनस थ्री आर की पावर फोर, ठीक है प्लस आर की पावर फोर अपॉन, हाँ जी इसकी पावर एक इसकी पावर हाफ, तो मैं कह सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है चलो अब ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वी अपॉन में डी आर का स्क्वायर एक बटा तीन पाई टू आर प्लस टू आर स्क्वायर माइनस फोर आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस, हाँ जी सॉल्व करना कुछ कर दो वरना ठीक है, तो ये कितना बनेगा थ्री आर स्क्वायर तीन में से एक गया दो आर की पावर फोर अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये ऐसे बनेगा, ठीक है अब भाई हमने इतना कुछ तो सॉल्व कर दिया है, अब हमने इतना कुछ तो सॉल्व कर दिया है, अब हमने देखना ये है कि भाई ये मैक्सिमाइज कैसे होता है, ठीक है तो मैक्सिमाइज ये होगा कि जब आप आर स्क्वायर की जगह एट आर स्क्वायर अपॉन नाइन पुट करेंगे तो आराम से ये क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बच्चों एक काम करना है पुट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एट आर स्क्वायर अपॉन नाइन, क्या पुट करना है एट आर स्क्वायर अपॉन नाइन, सब कुछ अपने आप कैंसिल होता चला जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है वरना भी करूंगा तो और लेंदी होगा ये, ठीक है चलो जब छेड़ ही दिया क्वेश्चन तो छेड़ देते हैं अच्छे से,
एक बटा तीन पाई, टू आर, टू आर स्क्वायर, फोर आर स्क्वायर की जगह पे एट आर स्क्वायर नाइन, एट आर स्क्वायर अपॉन नाइन अपॉन में अंडर रूट। हाँ जी, आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर है, ये कितना है आर स्क्वायर, एट आर स्क्वायर अपॉन नाइन, ठीक है, माइनस, हाँ जी, थ्री आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, एट आर स्क्वायर अपॉन नाइन इंटू आर स्क्वायर, टू आर की पावर फोर यानी कि आर स्क्वायर, एट आर स्क्वायर अपॉन नाइन का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एट आर स्क्वायर अपॉन नाइन की पावर थ्री बाय टू, ठीक है जी, ये आ गया। अब डी वी डी आर स्क्वायर बराबर एक बटा तीन पाई, या यहाँ पे क्या करूँगा, नोट करो बस, अभी से नोट करो इसे, करते करते ही हालत खराब हो जाएगी 6 नंबर के क्वेश्चन से। वीडियो पॉज करो और नोट करो। यही तो है, इसमें एक दिन में एक दो क्वेश्चन ही हो पाते हैं बस। चलिए मिटाता हूँ इसे, ठीक है, वीडियो पॉज करके बस नोट कर लिया करो। बस अब यहाँ शुरू करते हैं, डी स्क्वायर वी अपॉन में डी आर स्क्वायर बराबर एक बटा तीन पाई टू आर प्लस, हाँ भाई सॉल्व करना जरा, 9 दुनिया 18, 9 दुनिया 18 आर स्क्वायर माइनस 8 चौक 32 आर स्क्वायर अपॉन में, नीचे भी सॉल्व करो, 9 आर स्क्वायर माइनस 8 आर स्क्वायर अपॉन में 9, ठीक है, माइनस ये क्या हो गया, हाँ भाई 8 3 24 आर की पावर 4 अपॉन में 9 माइनस 8 का ये इसके ऊपर स्क्वायर था ना, हाँ तो 8 स्क्वायर 64, 64 माइनस 64 × 2 कितना हो गया, 60 60, 120 और 128, 128 आर की पावर 4 अपॉन में 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 आर स्क्वायर माइनस 8 आर स्क्वायर अपॉन में 9 की पावर 3/2, ठीक है, तो डी स्क्वायर वी अपॉन में डी डी बड़े आर का स्क्वायर 1/3 पाई 2 आर, हाँ भाई 18 में से 32 गया, ओ 32 में से 18 गया, कितना बचेगा भाई, तो बचेगा 2 और 2 माइनस का 14, माइनस का 14 आर स्क्वायर, ठीक है 14 नहीं, हाँ 14, ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर अपॉन में 9, यानी कि बाहर निकल के ये हो जाएगा कितना माइनस, हाँ भाई 128 में 24 गया माइनस का 104 आर स्क्वायर अपॉन 9, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 9 की पावर 3/2, ठीक है, 1/3 पाई 2 आर प्लस, हाँ भाई बाहर निकलेगा माइनस, ये प्लस माइनस माइनस 14 आर स्क्वायर आर बटा तीन, ठीक है, माइनस 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 प्लस कितना हो गया, 104 आर स्क्वायर बटा 9, ये पलट जाएगा 9 की पावर 3/2 और आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, डी स्क्वायर वी अपॉन में डी आर स्क्वायर बराबर 1/3 पाई 2 आर माइनस पलट जाएगा 14 3 42 आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस, ये कितना हो जाएगा भाई, 104 आर स्क्वायर अपॉन 9, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कट जाएगा तो 3 का क्यूब 27 कट जाएगा आर का क्यूब, ठीक है भाई, ठीक, 1 आर से 1 आर कट गया, 2 आर से 1 आर कट गया, 9 3 27 बच गया, और यह आएगा आपका 1/3 पाई 42 आर में से ये गया माइनस का 40 आर, ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा भाई, 104 3 312 312, ठीक है, तो ये आ जाएगा, माइनस बाहर कॉमन निकाल लो
तो माइनस का 1/3, 40r माइनस 312 लेस देन 0, क्योंकि माइनस में आ गया, ठीक है। सो द वॉल्यूम इज, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, ठीक है। चलिए कीजिए इसको, कीजिए बस, अब लास्ट एल्टीट्यूड प्रूव करने के लिए रह गया, ये कर लीजिए। एक काम कीजिए, मिटा रहा तो सारे ही मिटा देता हूँ, ठीक। अब ये नोट कर लो, फिर एल्टीट्यूड प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसे नोट करो जल्दी, वीडियो पॉज करते रहो और नोट करते रहो, क्योंकि बच्चों क्या करें, क्वेश्चन है ही टफ। टफ क्या मतलब लेंथी है, टफ क्या है इसमें। ठीक है, ये समझ में आया ना कैसे हुआ। 3 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 3 का क्यूब 27, आर का स्क्वायर से कट गया आर का क्यूब, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करना है और नोट करना है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। चलो नाउ, नाउ द एल्टीट्यूड ऑफ कोन इज, हां जी, एच बराबर आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच बराबर आर प्लस आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू थी 8r² / 9, तो क्या हो जाएगा ये 9r² - 8r² / 9, आर प्लस में r² / 9, आर का स्क्वायर आर, 3 और 9 का कितना हो जाएगा 3। तो ये सॉल्व करेंगे, 3r + r / 3, तो h बराबर 4r / 3, हैंस प्रूफ्ड। इतना सा करना था बच्चों, ठीक है, कीजिए, करो बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर जो 23 है ना, उसका 6.5 का, वो भी ऐसे ही सेम, बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम, कुछ भी फर्क नहीं। ठीक है जी, अब है क्वेश्चन नंबर 17। सो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 2r/√3, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो बहुत ही बच्चों वाली चीजें पता करनी हमें, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, वो भी किसके, सिलेंडर के, जो कि इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, जो कि इसके अंदर क्या है, इंस्क्राइब्ड है। चलिए सॉल्व करें, चलो भाई करें शुरू। चलिए बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 17 मिसलेनियस का ये भी, सो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर 2r/√3 ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। सिंपल, हाँ जी स्फीयर है ये, इसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब किया गया है। आर आर और ये हाइट हो गई। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करूंगा तो ये रेडियस किसकी बनेगी? स्फीयर की। स्फीयर की रेडियस बड़ी आर, ठीक है। अब नाम दो जरा इसको, ए बी सी, ठीक है, और इसको नाम दे दो डी, और ये पूरी हाइट किसके बराबर है? एच के बराबर है, ठीक है। चलिए, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस मान लो बड़ा आर, एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का मान लो छोटा आर, एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या मानोगे? एच। नाउ अब देखो दोनों चीजें हैं, एच मान लिया, लेकिन आपको पता ही है हम कभी भी दो वेरिएबल में काम नहीं करते, हमेशा एक वेरिएबल में काम करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी लेंथ आर और आर में निकाल के इससे डबल कर दूंगा, बात खत्म। नाउ इन ट्रायंगल में आ जाओ डीबीसी में, इसमें आ जाओ डीबीसी में। अच्छा डीबीसी के हिसाब से ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, तो बस काम शुरू। हाँ जी, यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस, हाँ जी, तो पाइथागोरस क्या है? डीसी का स्क्वायर डीबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। डीसी कितना है? आर। डीबी कितना है? नहीं पता। बीसी कितना? आर का स्क्वायर, ठीक है। बड़ा कौन है भाई? बड़ा वाला आर, तो छोटा आर उठा के यहाँ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डीबी का स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ के रूट, तो बच्चों डीबी की वैल्यू कितनी आ गई? रूट। तो डीबी की वैल्यू आ गई, डीबी की वैल्यू आ गई अंडर रूट कितनी भाई? बड़े आर के स्क्वायर माइनस छोटे आर के स्क्वायर, ठीक है। जब डीबी की वैल्यू इतनी है तो पूरे ए बी की वैल्यू कितनी होगी? तो लो जी, नाउ एच इज इक्वल टू ए बी, और ए बी क्या है? ए डी प्लस डी बी, है ना। तो जब जब डी बी आपका रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो जब ये आर है तो ये भी तो आर ही है भाई, ये भी तो आर है, तो ये भी कितना होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये एक बार दो बार, दो बार आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हाइट आ गई भाई, ठीक है। हाइट कितनी आ गई? टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस माइनस आर स्क्वायर। नाउ अब क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसी को तो मैक्सिमम करना है, पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। तो वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एच की जगह पे क्या आएगा? टू, टू तो बाहर लिख दो, एच की जगह पे अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दोनों के बीच में क्या लग जाएगा? प्रोडक्ट रूल। हमें किसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना है? सिलेंडर का, तो हम काम भी किसके हिसाब से करेंगे? सिलेंडर। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सिलेंडर, सिलेंडर बोले तो छोटा आर, डी वी अपॉन में डी आर बराबर टू पाई, हाँ जी दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल, आर स्क्वायर का डेरीवेटिव ये एज इट इज बीच में प्लस आर स्क्वायर एज इट इज इसका डेरीवेटिव, हाँ जी, तो टू पाई आर स्क्वायर पावर आगे एक कम आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वन अपॉन टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू जीरो माइनस टू आर। तो डी वी अपॉन डी आर बराबर टू पाई टू आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस, टू से टू कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस आर स्क्वायर आर, आर क्यूब अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक। नाउ अब इसको खत्म करने का समय आ गया है, डी वी अपॉन डी आर बराबर जीरो, तो टू पाई टू आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब अपॉन टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर जीरो। ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उधर जाके खत्म, टू आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर जीरो। माइनस की चीज़ बच्चों वहाँ जाके क्या हो गई? माइनस की चीज़ वहाँ जाके प्लस हो जाएगी, टू आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर इधर आके आर क्यूब अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये रूट की चीज़ वहाँ जाएगी भाई,
बिना रूट की हो जाएगी, रूट वाला, रूट से रूट का मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई करो टू। हाँ जी, एक आर से एक आर कट गया, बचा कितना, आर स्क्वायर, तो अंदर मल्टीप्लाई करो, टू आर का स्क्वायर माइनस टू आर का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, उठा के उधर ले जाओ, टू आर स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर, टू आर स्क्वायर टू आर आर, ये कितना हो गया, थ्री आर स्क्वायर, कितना हो गया, थ्री आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू ले लेंगे, तो बस ये थ्री इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा अपॉन थ्री, तो बच्चे छोटे वाले आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई टू आर स्क्वायर अपॉन थ्री, कितनी आ गई, टू आर स्क्वायर अपॉन थ्री। ठीक, अब जल्दी से करो, फिर मैं इसका वो करा देता हूँ तुम्हें, जल्दी से इसको नोट करो, फिर इसका डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। इसे करो, ये समझ लो अगली क्लास इसकी आखिरी क्लास होगी मैक्सिमम मिनिमम की, ठीक है। हो गया नोट, चलो दो बातें निकालनी है इसमें हमें, एक तो प्रूफ करना है कि इस स्फीयर का रेडियस 2r अंडर रूट 2r के बराबर है। हाँ भाई, इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, यानी बड़ा r जो है चलो ठीक है, तो रेडियस प्रूफ कर ही दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, अब मैं ये मिटा रहा हूं, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव कौन है, फर्स्ट डेरिवेटिव यहां पर है ना, बाकी सब मिटा रहा हूं, वीडियो पॉज करके आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। अब करो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू आर। हाँ जी, तो टू पाई ए डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर, तो टू पाई अपनी जगह पे, ठीक है, टू भी अपनी जगह पे, अब रह गया आर, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल, तो लगाओ जरा भाई, आर का डेरिवेटिव डायरेक्ट कर दूं, आर का डेरिवेटिव वन या एज इट इज, ठीक है, प्लस फिर आर एज इट इज इसका डेरिवेटिव वन अपॉइंट टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू में जीरो माइनस में टू आर, ठीक है, माइनस फिर इसमें क्वेश्चन ट्रूल पता ही है, अरे बड़ा लेंदी हो जाता है यार, थक जाएंगे। हाँ जी, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला एज इट इज, माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है जी, ये है। ठीक, अब जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया था उसी तरीके से इसका भी आप फटाफट क्या कर देंगे, डबल डेरिवेटिव कर देंगे टू। हाँ जी, तो ये कितना हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई करते चलना, टू आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, टू से टू तो कट ही जाएगा वो वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला भी टू अंदर जाएगा, ये वाला जो टू अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का टू आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत, इस तरीके से, इस तरीके माइनस इसका करेंगे पावर आगे एक कम, ऐसा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका करेंगे वन अपॉन टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये जीरो माइनस टू आर, ठीक, अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, टू से टू खत्म, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, टू पाई टू अंडर रूट, अब इसको भी अगर सॉल्व करना चाहो कर दो, इसको उठा के उधर कर दो, टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस टू आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 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 क्या, प्लस, टू से टू कट ही गया, आर की पावर फोर अपॉन क्या भाई, इसको इससे कर दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको इससे कर देंगे माइनस माइनस आर की पावर फोर, और बच्चों ये पूरा हिस्सा खिसक के नीचे आ जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, और ये बन जाएगा आर की पावर फोर, ठीक है,
चलो अब क्या करना है, 2π 2r² - 2r² - 2r² अपॉन अंडर रूट r² - r² ये बनेगा 3r² 3r² / r² - 3r की पावर 4, ठीक है, प्लस r की पावर 4, ये r² - r² और ये अंडर रूट r² - r², ठीक। अब क्या करना बच्चों, अब देखो आपके पास सब कुछ आ चुका है, अब मैंने बिल्कुल इसे छोटा कर दिया, ठीक है, 4r², अब मैंने इसे क्या कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक। अब ये आप आपके लिए हो जाएगा ऐसा 3r² - 2r की 4 अपॉन r² - r² की पावर, ये हाफ, ये 1, ये 3/2, ठीक है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन के बराबर ले आया। बस अब आपको क्या करना है, r² की वैल्यू पुट करनी है 2r² / 3, ये आपको पुट करना है। पुट करोगे तो d²v/dr² जो है, आपको क्या प्रूव करना था, मैक्सिमम, तो भैया वो लेस देन जीरो आ जाएगा, वो लेस देन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और क्या हो जाएगा भाई, आप यहाँ पे कह सकते हो द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ये आप खुद कर लेना अब आगे, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हो आप यहाँ पे इजिली, ठीक है, यहाँ पुट कर लोगे। इसके बाद आपको क्या क्या बोला था उसने, कि जो हाइट है ना, हाइट सिलेंडर की हाइट, वो स्फेयर के रेडियस का 2/√3 होना चाहिए। नाउ तो बस हाइट किसके बराबर थी, हाइट थी आपकी किसके बराबर, r² - r² तो बस बात खत्म, r² - हाँ जी, छोटा आर स्क्वायर किसके बराबर था, छोटा आर स्क्वायर था 2r² / 3 के बराबर, ठीक है, तो बस सॉल्व कर दो इसको, अंडर रूट 3r² - 2r² / 3, 3 में से गया r² / 3, एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, नहीं ठीक है, अच्छा आगे 2 भी तो लगेगा ना, आगे 2 लगेगा, अच्छा हाँ, तो बराबर 2 बाहर निकलेगा आर स्क्वायर से, तो कितना बनेगा आर, और √3 का √3, तो क्या हमें यही प्रूफ करना था कि जो हाइट है वो क्या है बच्चों, हाइट जो है वो पूरे सिलेंडर का, वो पूरे स्फेयर का 2/√3 है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18, ये भी मैं ही कराऊंगा। अब आपको खुद से ट्राई करना है, बस क्वेश्चन नंबर 20 मैं बता देता हूँ कौन सा आपको, 24th क्वेश्चन ट्राई करना है, सॉरी 23 हो जाएगा तुमसे, हाँ हो जाएगा, 23 क्वेश्चन ट्राई करना है आपको, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने सबसे पहले कराया ना, इससे पहले वही सेम क्वेश्चन है, डिट्टो 23 किसका, 6.5 का, तो आपको होमवर्क में दिया जा रहा है 6.5 का क्वेश्चन नंबर 23, सेम क्वेश्चन अभी इससे पहले वाला, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में ये पूरी उम्मीद है कि हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, ठीक है, चलिए बाय।